हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो क्लास है बीपीएससी टीआरई के लिए जो है जीके जीएस का क्लास है, और साथ में अगर एचटीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जीके जीएस का क्लासेस। तो आज के सेशन का ये क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में जो है इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी है राज बिहारी बोस, ऑप्शन सी है रामचंद्र, ऑप्शन डी है तारकनाथ दास। तो दोस्तों, लंदन में जो है इंडिया हाउस के जो संस्थापक थे वो थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, लंदन में जो है इंडिया हाउस के जो संस्थापक थे वो थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है सी आर दास, ऑप्शन सी है आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के विषय में जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही कहा था विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ठीक है, बंगाल विभाजन के विषय में जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन जो है हमारे ऊपर एक बम की तरह गिरा है। तो अब है इसी का डिस्कशन, तो डिस्कशन देख लिया जाए। बंगाल विभाजन यानी कि इंग्लिश में जिसे बंगाल पार्टीशन के नाम से भी जानते हैं, तो बंगाल विभाजन का मुद्दा जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तर भारतीय राज्यों में एक महत्वपूर्ण विषय था। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को दो भागों में विभाजित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुलता रहता था जबकि पश्चिमी बंगाल में जो है हिंदू बहुलता था। इस विभाजन को लेकर भारतीय लोगों की भावनाओं में तेजी से विरोध उत्पन्न हुआ और वे इसे बंगाल का विभाजन कहकर नकारते थे। विभाजन का विरोध जो है स्थानीय स्तर पर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं द्वारा भी किया गया था। 1911 में जो है इस विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अब है बंगाल विभाजन की निर्णय को जो निर्णय की घोषणा जो है उसे 19 या 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछ दे बताइए दोस्तों, बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा कब की गई थी? तो उसका आंसर या तो 19 जुलाई या तो 20 जुलाई ऑप्शन में रहेगा, तो इसे ही टिक करना है। ठीक है, और बंगाल विभाजन जो है मुख्य रूप से वो प्रभावी हो गया, लागू जो हो गया वो हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ये दो डेट है, इस डेट को याद रखना है। पहला कि बंगाल विभाजन जो होने वाला है उसका निर्णय की घोषणा, तो निर्णय की घोषणा 19 जुलाई या फिर 20 जुलाई 1905 बोलेंगे, और बंगाल विभाजन जो है कब से लागू हो गया, कब से प्रभावी हो गया, तो वो हो गया था 16 अक्टूबर 1905 से। ठीक है फ्रेंड्स, और बंगाल विभाजन के समय जो है बंगाल का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय जो है बंगाल का वायसराय जो था वो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है स्वविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों, बंग भंग के बाद जो है आंदोलन शुरू हुआ था उस आंदोलन का नाम है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, बंग भंग के बाद जो है जो आंदोलन शुरू हुआ था उस आंदोलन का नाम जो है वो है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो इसका डिस्कशन देखिए, बंग भंग के बाद भारत में स्वदेशी आंदोलन जिसे कि इंग्लिश में स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं वो शुरू हुआ था। बंग भंग के बाद जो है भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था,
इस आंदोलन का उद्देश्य जो था ब्रिटिश वस्त्रों और उत्पादों के विरुद्ध बहिष्कार करके भारतीय उत्पादों का प्रचार करना था, ठीक है दोस्तों। और ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसका उद्देश्य जो था ब्रिटिश वस्त्रों और उत्पादों के विरुद्ध बहिष्कार करके भारतीय उत्पादों का प्रचार करना था। यह आंदोलन जो है ब्रिटिश के खिलाफ भारतीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन ए है 1906, ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी है 1911, ऑप्शन डी है 1913। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन जो है उसे रद्द जो है वो कर दिया गया था 1911 में, ठीक है। तो बंगाल विभाजन जो है रद्द जो है वो कर दिया गया था 1911 में। 1905 में लागू हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को, और 1911 में जो है बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, ठीक है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव जो है वर्ष 1905 में पारित किया था, इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है, अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार परंतु ऐसा नहीं हुआ। ऑप्शन बी है, स्वशासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी है, उत्तरदायी सरकार। ऑप्शन डी है, स्वयं की सरकार। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा स्वशासन सुनिश्चित करना, ठीक है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य जो था वो था स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया और इस प्रस्ताव का उद्देश्य जो था वो था स्वशासन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ऑप्शन ए, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों के कारण। ऑप्शन बी है, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य। ऑप्शन सी है, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी। ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में जो है कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया जो है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियां के कारण हुई, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य के कारण हुई, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी के कारण हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये किसने लिखा। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये किसने लिखा। ऑप्शन ए है, हर्बर्ट रिसले ने। ऑप्शन बी है, लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन सी है, W.W. हंटर ने। ऑप्शन डी है, H.N. ब्रेसफोर्ड ने। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो होगा W.W. हंटर ने, यानी कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये कहा था W.W. हंटर ने। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये लिखा था W.W. हंटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है दोस्तों। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1924 में, ऑप्शन डी 1926 में। तो दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो हुई थी 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो हुई थी 1924 में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे पूछ रहा है बंगाल विभाजन जो हुई थी, होने वाली थी, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। ऑप्शन ए है, 19 जुलाई 1905 को। ऑप्शन बी है, 7 अगस्त 1905 को। ऑप्शन सी है, 15 अगस्त 1905 को। ऑप्शन डी है, 16 अक्टूबर 1905 को। तो दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो हुई थी 19 जुलाई 1905 को।
तो दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो हुई थी 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हो गई थी। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को जो है दोस्तों बंगाल विभाजन लागू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कर्नल वायली की हत्या के लिए किसे मृत्युदंड दिया गया था? कर्नल वायली की हत्या के लिए जो है फ्रेंड्स किसे मृत्युदंड दिया गया था? ऑप्शन ए है मदनलाल ढींगरा को, ऑप्शन बी है उधम सिंह को, ऑप्शन सी है भगत सिंह को, ऑप्शन डी है मनमथ नाथ को। तो दोस्तों कर्नल वायली की हत्या के लिए जो है मृत्युदंड जो है वो दिया गया था मदनलाल ढींगरा को। कर्नल वायली की हत्या के लिए जो है मृत्युदंड दिया गया था मदन लाल ढींगरा को। मदन लाल ढींगरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कर्नल वायली की हत्या के कारण जो है इन्हें ही मृत्यु दंड दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब पेश किया गया था? भारत में जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है किस वर्ष में पेश किया गया था? ऑप्शन ए है 1881 में, ऑप्शन बी है 1902 में, ऑप्शन सी है 1909 में, ऑप्शन डी है 1919 में। तो दोस्तों भारत में जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो पेश किया गया था दोस्तों 1919 में। भारत में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो पेश किया गया था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू लेम्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी, इन लेखों का जो है लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है ईओ हारूम, ऑप्शन सी है जीके गोखले, ऑप्शन डी है बीजी तिलक। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अरविंद घोष। न्यू लेम्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी, इन लेखों का लेखक जो है अरविंद घोष थे। दोस्तों याद रखना है सिंपल सी कि न्यू लेम्स फॉर ओल्ड के जो लेखक थे वो थे अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती केस में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए है रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला, ऑप्शन बी है वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, ऑप्शन सी है प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुद्दीराम बोस, ऑप्शन डी है सूर्य सेन और उद्धम सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला। ठीक है, यानी कि काकोरी ट्रेन डकैती केस में जो है रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला को जो है फांसी दी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती में जो है रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रेंड्स, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है ये स्थापित की गई थी भगत सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है दोस्तों ये स्थापित की गई थी भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, याद रखना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है भगत सिंह के द्वारा की गई थी। इसका डिस्कशन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसे HSRA भी कहते हैं,
ठीक है, तो शॉर्ट में याद रखना है HSRA की स्थापना जो है भगत सिंह के द्वारा की गई थी, और HSRA जो है यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है एक क्रांतिकारी संगठन था जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और बुटिक केशवर दत्त द्वारा नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऑप्शन ए है बिस्मिल, ऑप्शन बी है राजगुरु, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है आज़ाद। तो दोस्तों ये जो है लिखा गया था वो लिखा गया जो है बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये जो लिखा गया था वो लिखा गया था बिस्मिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 23 मार्च 1931, यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है वो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। अब है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। ऑप्शन ए है 21 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष से थोड़ा अधिक, ऑप्शन सी है 25 वर्ष, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों सरकार के विरोध असेंबली में बम फेंकने के समय जो है भगत सिंह की उम्र जो है वो थी 21 वर्ष से थोड़ा अधिक। ठीक है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र जो है वो 21 वर्ष से थोड़ा अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। 1913 में जो है पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है रामानंद सिन्हा ने, ऑप्शन बी है सतीश झा ने, ऑप्शन सी है सचिंद्र नाथ सान्याल ने, ऑप्शन डी है विपिन झा ने। तो दोस्तों 1913 में जो है पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है वो किया गया था सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। 1913 में जो है पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है वह स्थापित की गई थी सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्रपाल ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन डी है अरविंद घोष ने। तो दोस्तों निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है बी डी सावरकर ने, ऑप्शन बी है भगत सिंह ने, ऑप्शन सी है लाला हरदयाल ने, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना जो है वो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन ए है प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, ऑप्शन बी है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, ऑप्शन सी है कामागाटा मारू घटना, ऑप्शन डी है करतार सिंह सराभा को फांसी। तो दोस्तों गदर क्रांति छिड़ने का जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। प्रथम महायुद्ध का शुरू होना जो है दोस्तों ये गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। अब है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए है जर्मनी में, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन सी है फ्रांस में, ऑप्शन डी है इंग्लैंड में। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है भगत सिंह ने, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन डी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है गोपीनाथ साहा ने, ऑप्शन सी है सिराज गोपालाचारी ने, ऑप्शन डी है सी आर दास ने। तो दोस्तों स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा जो है वो किया गया था सिराज गोपालाचारी के द्वारा। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा जो है वो किया गया था राजगोपालाचारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है सी आर दास, ऑप्शन बी है एम जी रनाडे, ऑप्शन सी है बी डी सावरकर, ऑप्शन डी है एस एस सेन बनर्जी। तो दोस्तों इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक जो है वो लिखा गया था सी आर दास के द्वारा। तो दोस्तों इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक जो है वो लिखा गया था सी आर दास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट जो हम लोग सेशन लेकर के आएंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करें, और दोस्तों जो भी लोग नए हैं चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी तक पहुंचते रहे। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए तो सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।